कन्हैया के दो बेटे थे, एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम जूजू था। जूजू जो बड़ा भाई था वो पढ़ता था, और कुकू छोटा भाई अपनी मम्मा के साथ एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। मम्मा, मेरी एग्जाम्स की फीस आ गई है, सर ने कहा था कि कल तक फीस क्लास में जमा करवानी है। जूजू बेटा आप चिंता ना करें, मैं और कुकू कल तक फीस का बंदोबस्त कर लेंगे। फिर कुकू और उसकी मम्मा काम पर चले जाती है और जूजू अपने कॉलेज चला जाता है। दोनों माँ बेटा सारा दिन काम करते हैं। कुकू की मम्मा फैक्ट्री में जूते उठा उठा कर डिब्बों में रखती थी और कुकू उन डिब्बों को गाड़ी में लोड करता था। शाम हो जाती है। मम्मा, क्या मैनेजर हमें एडवांस पैसे दे देंगे? कुकू बेटा बात करके देखते हैं, अगर मैनेजर ने पैसे ना भी दिए तो मैं अपना हार बेच दूंगी। मम्मा, जूजू भाई की फीस जमा करवाने के लिए हम घर के पुराने बर्तन भी तो बेच सकते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर, इस महीने के पैसे आप हमें एडवांस दे दें, मैंने अपने बड़े बेटे के एग्जाम्स की फीस जमा करवानी है। मैनेजर, मैं देर रात काम करूँगा, मम्मा शाम को घर चली जाएगी और मैं रात को भी काम किया करूँगा, ऐसे हम बहुत जल्द आपके एडवांस पैसे लुटा देंगे। चुड़िया, आप लंबे समय से इस फैक्ट्री में काम कर रही हैं, आप अच्छे से काम करती हैं, इसलिए आप कुछ पैसे एडवांस ले सकती हैं। ऐसे मैनेजर से पैसे लेने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है और कुकू रात को काम करने के लिए फैक्ट्री में ही रुक जाता है। मम्मा, कुकू कहाँ है? जूजू बेटा, आपके भाई आज ही रात को भी काम करेंगे, मैनेजर ने एडवांस इसलिए दिया है कि कुकू रात को भी काम करेगा। मम्मा, बस कुछ ही दिन है, जब मैं पढ़कर जॉब करने लगा तो मैं अपने भाई को बहुत आराम दूंगा। बस ऐसे ही मिलजुल कर रहना मेरे बच्चों। फीस जमा हो जाती है, जूजू एग्जाम से फारग हो जाता है और फिर जूजू को शहर वाले जंगल में अच्छी जॉब मिल जाती है। जूजू अपनी माँ को फोन करता है। मम्मा, मुझे जॉब मिल गई है, आप परेशान ना होना, मैं कुछ दिनों तक घर आऊँगा। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। जूजू वहाँ नए नए दोस्त बना लेता है। शहर की जिंदगी में जूजू इतना मगन हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि कोई उसके पीछे ही रहता है। वो अपनी माँ को भूल जाता है, वो अपने भाई को भूल जाता है। जूजू गेम्स खेलता, जूजू सिनेमा देखता, वो शहर की रंगीनियों में सब भूल जाता है। कुकू बेटा, कई दिन हो गए आपके भाई का फोन भी नहीं आया। मम्मा, आप चिंता ना करें, भाई मसरूफ होंगे। जब विजिबल वाइट सामने आए, अच्छे अच्छे अपने दांत छिपाए। कोलगेट विजिबल वाइट, असली वाइट। मगर भाई तो डांस क्लब में पार्टी कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जूजू घर आता है। उसका भाई और माँ जूजू को देखकर बहुत खुश होते हैं। जूजू बेटा, क्या कुछ पैसे भी लाए हैं आप? माँ, वहाँ शहर में बहुत खर्चे हैं, जितना कमाता हूँ सब लग जाता है। मम्मा, भाई अभी नए नए हैं ना, वहाँ बहुत खर्चे होते होंगे। जूजू की 3 दिन की छुट्टी थी, मगर दूसरे ही दिन जूजू वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। जूजू बेटा, अभी तो आपकी छुट्टी के 2 दिन बाकी है। मम्मा, यहाँ मेरा दिल नहीं लगता, वो ऐसा है ना कि वहाँ मेरे दोस्त हैं, दोस्तों के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। जूजू की ये बात उसकी मम्मा को बहुत बुरी लगती है। जूजू बेटा, ये क्या बात की आपने, अपने घर में तुम्हारा दिल नहीं लगता, अपनी माँ अपने भाई के पास, क्या तुम हमें भूल गए हो? भाई भाई, मैं भी आपके साथ जाता हूँ, मैं भी शहर देखूंगा। वहाँ सब मेरा मजाक बनाएंगे। ऐसा कहते हुए जूजू घर से चला जाता है। उसका भाई और माँ जूजू को जाता हुआ देखकर रो रहे थे। मम्मा, भाई तो सच में बदल गया है, और वो भी कुछ ही दिनों में। हाँ बेटा, जैसा देश वैसा भेस। जिस फैक्ट्री में चिड़िया और उसका बेटा काम करते थे, वो कुछ दिनों बाद बंद हो जाती है। चिड़िया और उसका छोटा बेटा कुकू परेशान अपने घर में बैठे हुए थे।
कुकू बेटा अब कैसे चलेगा, जूजू ने तो अभी तक एक रुपए भी नहीं भेजा। मम्मा आप चिंता ना करें, मेरे पास एक आइडिया है, कल से आप मुझे बिरयानी बना कर दिया करना और मैं वो बिरयानी भेज आया करूँगा, ऐसे हमें कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। फिर कुकू अपने पापा की पुरानी साइकिल ठीक करवाता है और उस साइकिल पर नई घंटी भी लगवाता है। कुकू की मम्मा बिरयानी बनाकर कुकू की साइकिल पर रख देती है और कुकू घंटी बजाता हुआ जंगल में बिरयानी बेचने निकल जाता है। जो भी कुकू की बिरयानी खाता वो बहुत पसंद करता। शाम तक कुकू बिरयानी बेचता और शाम को सारी बिरयानी बिक जाती तो कुकू वापस अपने घर आ जाता है। ऐसे कुकू और मम्मा चिड़िया को मुनाफा होने लगा और शहर में जूजू अपनी सारी ही तनख्वाह लेकर शराब और बीड़ी में लगा देता। आज पार्टी मैंने दी है, कल तुम दोगे। बीना दारू तुम ही लाओगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुफ्त में खाना आता है तुम्हें और अगर पैसे लगाने की बारी आए तो रो रहे हो। गुल्लू अपने दोस्त जूजू से नाराज हो गए, जूजू के बॉस के पास जाता है। बॉस, जूजू शराब पी कर जॉब पर आता है, अगर मेरा नहीं विश्वास तो आप किसी और से पूछ ले। बॉस जूजू को बुलाता है और उसे वार्निंग देता है। अब जूजू को नशे ने बुरा पक्षी बना दिया था, वो अपने काम में भी दिल ना लगाता और अपनी मम्मा और भाई को फोन तक ना करता। कुकू ने साइकिल पर बिरयानी बेच बेच कर अब कुछ पैसे जमा कर लिए थे। मम्मा अब मैंने सोचा है कि हम बड़े पेड़ के पास एक ढाबा बना देते हैं, हम बिरयानी के साथ साथ चाय और रोटी भी रखेंगे। कुकू बेटा जितना भी काम करना ईमानदारी और मेहनत से करना। फिर वो दोनों माँ बेटा जंगल में बड़े पेड़ के पास एक ढाबा बना लेते हैं जिस पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है और उनका ढाबा अच्छे से चलने लगता है। कुछ ही दिनों में कुकू और उसकी मम्मा के दिन बदल जाते हैं और वो अमीर हो जाते हैं। नया घर बन गया था और कुकू ने एक मोटरसाइकिल भी ले ली थी। जूजू को उसका बॉस काम से निकाल देता है, वो दो दिन से भूखा था। थक हार कर वो अपने जंगल वापस लौट आता है। रास्ते में उसे बहुत भूख लगी हुई थी, बड़े पेड़ के पास ढाबा देखकर जूजू वहाँ जाता है। मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे खाना दे। पक्षी मैं यहाँ काम करता हूँ, मालिक बहुत दयालु है, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। मुलाजम कुकू के पास जाता है और उसे पूछता है। साहिब एक भूखा गरीब पक्षी खाना मांग रहा है। कुकू की नजर जूजू पर जाती है। वो पक्षी? जी मालिक। कुकू भाग कर अपने भाई के पास जाता है। जूजू भाई तुम? कुकू क्या यह ढाबा आपका है? हाँ जूजू भाई, यह ढाबा हमारा ही है, आप मेरे साथ अंदर आ जाएं। फिर जूजू अपने भाई से माफी मांगता है और कुकू जूजू को खाना देता है और उसे अपने साथ काम पर रख लेता है और फिर चिड़ियाओं का वो परिवार खुशियों भरा जीवन गुजारने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कवि और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू दरवाजा खोलता है। तुम्हारी पत्नी ने मेरे बेटे की टोपी छीन ली है और उसे मारा भी है, समझा लो उसे। कौन? गोरी ने? गोरी तो सुबह से घर में ही है। ये सुनकर गोरी कवि भी घर से बाहर आ जाती है। मोटी बुलबुल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की? मैं कोई चोर हूँ? ये बताओ, तुमने देखा है मुझे कुछ ऐसा करते हुए? एक चोरी, ऊपर से सीना चोरी, चिड़िया ने बताया है मुझे, उसने देखा है तुम्हें मेरे छोटे से बेटे से टोपी छीनते हुए। चल चल भाग, बड़ी आई, मोटो बंद सूरत, पूरी शक्ल वाली। डरती हुई बुलबुल वहाँ से चली जाती है। घर जाते ही कालू गोरी के घोंसले में पड़ी टोपी देख लेता है। ये टोपी तुमने कहाँ से ली है? यू तुमने जरूर बुलबुल के बेटे से ही छीनी होगी। चुप कर जाओ ओए कालू। हाँ छीनी है, कर लो जो करना है। बनाया उस मोटी बुलबुल की वकालत करने वाला।
गौरी कभी बहुत बुरी थी। वो हर समय कोई ना कोई नई शरारत करती, सबको तंग करती। गौरी कभी कड़वे फूल लेती है और जाकर कबूतर की पानी की टंकी में गिरा देती है। कबूतर जैसे ही टूटी से पानी डालकर पीता है, वो खांसने लगता है। ये क्या, मेरा पानी कैसे खराब हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कबूतर छत पर जाकर देखता है तो टंकी में कड़वे फूल तैर रहे थे। ये शरारत कौन कर सकता है? दूसरे पेड़ पर बैठी हुई मैना कबूतर से कहती है। चाचा कबूतर, थोड़ी देर पहले गौरी कवि यहाँ बैठी हुई थी। मैं अभी जाकर उसे पूछता हूँ। गुस्से में चाचा कबूतर गौरी कवि के घर जाता है। कालू, कहाँ है गौरी? उसने मेरी पानी की टंकी में कड़वे फूल डाले हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। यार कबूतर, पागल हो गए हो? वो तो सुबह से अपनी माँ के पास गई हुई है। ये शरारत किसी और ने की होगी। अब अगर दोबारा वो मेरे घर की तरफ आई तो मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। बता देना उसे। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। नदी पर चिड़िया की बेटी गुड़िया और कबूतर का बेटा कीकी बैठे हुए थे। उड़ते हुए गौरी कवि उन्हें देखकर वहाँ आ जाती है। गुड़िया के पास दाना था। मैं चुड़ैल हूँ, मैं पहाड़ों से आई हूँ, मैं खा जाऊंगी तुम्हें। अपनी आंखें उल्टी करते हुए गौरी कवि छोटे बच्चों से ऐसे कहती है। नाना चुड़ैल, चुड़ैल आंटी, मुझे ना खाना, आप मेरे दोस्त कीकी को खा ले। नहीं नहीं आंटी, प्लीज मुझे ना खाना, मेरे पापा आपको मारेंगे। गुड़िया के पापा नहीं है, आप गुड़िया को खा ले। अगर तुम दोनों मुझे ये दाना दे दो तो मैं ये दाना खा लेती हूँ और तुम्हें छोड़ लेती हूँ। ले ले आंटी चुड़ैल, आप ही दाना ले ले और मुझे छोड़ दे। फिर गौरी कवि उन छोटे पक्षियों से दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। रोते और डरते हुए बच्चे अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, नदी पर चुड़ैल है, नदी पर चुड़ैल है। पागल हो गई हो गुड़िया बेटी, मैंने तो कभी वहाँ कोई चुड़ैल नहीं देखी। मम्मा, उसकी इतनी डरावनी आंखें थी और काला रात की तरह काला रंग था। मम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखी है वो चुड़ैल। उधर घर जाकर कबूतर का बेटा कीकी डरा हुआ था। मैं फिर कभी नदी पर नहीं जाऊंगा, वहाँ चुड़ैल रहती है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। अब आपको बाहर जाना, नदी से पानी पीना, दाना लाना सब सीखना होगा। अगर उस चुड़ैल ने मुझे खा लिया तो फिर मैं क्या सीखूंगा? कालू, लो ये दाना खाओ। मैंने चिड़िया और कबूतर के बच्चे से चुड़ैल बनकर छीना है ये दाना। सब तंग है तुमसे, जिस दिन तुम पकड़ी गई तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। कालू, बहुत मजा आता है मुझे ऐसे कामों में। मैं तुम्हारी तरह डरती नहीं हूँ। जब पकड़ी जाऊंगी तो देखा जाएगा। ऐसे ही एक दिन गौरी कवि पहाड़ों पर जाती है। वहाँ एक बड़ी चील बैठी हुई थी। हमारे जंगल में ऐसी बड़ी चील पहली बार आई है। शरारत करती हूँ मैं चिड़िया से जाकर। हाँ, मैं चिड़िया से शरारत करती हूँ। गौरी कवि जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी जाओ, पहाड़ों पर तुम्हें बूढ़ी फाख्ता बुला रही है। उसे कोई जरूरी काम है तुमसे। पहाड़ों पर मगर कहाँ, मेरी के पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई है बूढ़ी फाख्ता। चिड़िया जल्दी से पहाड़ों की तरफ जाती है। वो बेरी के पेड़ की तरफ जाती है। चील का मुंह दूसरी तरफ था। चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, फाख्ता माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या काम था आपको मुझसे? जल्दी बताइए, मुझे दाना लेने भी जाना है। चील अपना मुंह चिड़िया की तरफ करती है। अब अगर तुम आ ही गई हो तो मेरा भोजन बन जाओ। छोटी चिड़िया, और तो कोई काम नहीं है मुझे तुमसे। चील को देखकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। चील, चील दी, आप, मैं तो समझी कि वो क्या है आपके पीछे। जैसे ही चील अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, चिड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। भाग गई चिड़िया, जान बचाकर भाग गई। वो गौरी की बच्ची तो आज मेरी जान ही लेने वाली थी। हर समय कोई ना कोई शरारत, उसे सजा जरूर मिलेगी। रास्ते में बैठी हुई गौरी कवि चिड़िया को देखकर हंसने लगती है।
चिड़िया चिड़िया क्या कहा बुढ़िया फाखना ने, क्या काम था उसे तुमसे? ये तो समय आने पर ही बताऊंगी मैं तुम्हें गोरी की बच्ची। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जंगल में एक मिट्ठू तोता ही ऐसा था जो गोरी का एतबार नहीं करता था।